हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर के बारे में सारी बेसिक जानकारी होना। तो आज से हम कंप्यूटर की सारी बेसिक जानकारी सीखेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में और भी बहुत कुछ आप इस एक वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी लोग बने रहे वीडियो के अंत तक। बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी में नाम जो होता है वो संगणक होता है, इसको अभिकलित्र भी बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर अत्यंत तीव्र गति से गणनाएँ करने में सक्षम होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी है। कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं। जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया तो उन्होंने क्या समझकर कंप्यूटर का आविष्कार किया, आज से 300 वर्ष पूर्व क्या उनके माइंड में आया होगा कि कंप्यूटर का आविष्कार करना चाहिए। तो उन्होंने पहले एक ह्यूमन बॉडी का अध्ययन किया कि एक ह्यूमन कैसे काम करता है। सबसे पहले हम अपने कानों से कोई भी क्वेश्चन रिसीव करते हैं, कुछ भी, तो उसको बोलते हैं हम इनपुट। उसके बाद हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है इनपुट को, एंड देन हम उसका आंसर देते हैं तो वो आउटपुट कहलाता है। मतलब इनपुट मतलब क्वेश्चन को रिसीव करना, एंड ब्रेन का काम होता है उसको प्रोसेस करना, एंड देन हम आउटपुट देते हैं उसको। जैसे हमसे किसी ने नाम पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, तो हम उसको कानों से रिसीव करेंगे उस क्वेश्चन को, वो हो गया इनपुट। उसके बाद हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचेगा, थिंक करेगा, एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा, एंड देन हम उसका आंसर देंगे माउथ से, तो वो आउटपुट हो गया हमारा। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी इनपुट करने के लिए कीबोर्ड एंड माउस होते हैं, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू होता है, और आउटपुट देने के लिए प्रिंटर और स्पीकर होता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन समझते हैं एक बार। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि बिजली से चलती है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विच रिसीव्स द इनपुट। सबसे पहला काम क्या है कंप्यूटर का, इनपुट को रिसीव करना। उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना, सीपीयू का काम होता है उसको प्रोसेस करना, एंड उसके बाद गिव्स द आउटपुट, आउटपुट को देना, और फिर चौथा काम स्टोर द रिजल्ट, रिजल्ट को स्टोर करना। एग्जाम्पल जो अभी आपको बताया गया है, ए मैन रिसीव्स द क्वेश्चन फ्रॉम हिज ईयर्स आईज एंड हिज ब्रेन प्रोसेस ऑन द क्वेश्चन, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ही गिव्स द आउटपुट फ्रॉम हिज माउथ, एंड हिज मेमोरी और ब्रेन सेव दिस इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर। तो ये आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन के बारे में पता लग गया होगा। कंप्यूटर की एक और जनरलाइज डेफिनेशन देखते हैं। एक कंप्यूटर इज ए डिवाइस that can be instructed to carry out sequences of arithmetic or logical operation, मतलब arithmetic और logical operations को क्या करता है, ये automatically instruct करता है, automatically process करता है। modern computers have the ability to follow generalized sets of operation called programs, उनको हम programs बोलते हैं। sets of instruction को computer की language में हम programs बोलते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सामान्यतः ऑपरेट होने वाली एक मशीन है जो साधारणतः यूज की जाती है टेक्निकल में, एजुकेशन में एंड रिसर्च में। हम यहाँ पे टेक्निकल के साथ साथ ट्रेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि व्यापार में भी कंप्यूटर को हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रेड भी लिख सकते हैं, और एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी लिख सकते हैं, मनोरंजन, मनोरंजन में भी यूज होता है और रिसर्च में भी यूज होता है इसका। तो ये कंप्यूटर की बेसिक फुल फॉर्म थी। इसके बाद बात करते हैं, कंप्यूटर में दो चीज़ होती हैं, एक तो डाटा और एक इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, डाटा इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे मोहन 1977 एक्सेट्रा, एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये डाटा तो क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी, इन जो हमने प्रोडक्ट बना लिया उस कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से। मतलब जब हम डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन कहलाती है।
ठीक है, जैसे डाटाबेस के अंदर ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, मोहन 1977 डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है इसकी, ऐसे ही इसका एड्रेस लिखा होगा, तो अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग जो डाटा है, जैसे मोहन 1977 ये अपने आप में यूजलेस है, लेकिन जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ये मोहन नाम का लड़का है, इसका ये एड्रेस है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये यहाँ पे रहता है, इसका मोबाइल नंबर ये है, तो वो पूरी जब हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और डाटा हमारे लिए एक तरीके से रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और इन्फॉर्मेशन को ही हम यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट डाटा को यूज़ नहीं करते, ठीक है, डाटा तो कच्चा माल है एक तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, डाटा वैसे इन्फॉर्मेशन, डाटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन, एक बार हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड डेट व्हाट गोज इन द कंप्यूटर्स इज डाटा एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ देम इज इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल चीज़ें होती रहती हैं वो हम सबसे हाइड रहती हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ टर्निंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बोलते हैं। अब ये डायग्राम देखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट भी मिलता है और एक्सटर्नल स्टोरेज में कंप्यूटर उसको स्टोर भी करता है इंफॉर्मेशन। कीबोर्ड और माउस की हेल्प से हम इनपुट लेते हैं, सीपीयू प्रोसेस करता है, और स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सब हमारे आउटपुट देने के साधन हैं, मॉनिटर की स्क्रीन जो है, और एक्सटर्नल स्टोरेज हमारा हार्ड डिस्क हो गई हमारी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इनपुट और आउटपुट देने वाली जो डिवाइस हैं वो कॉमन है, जैसे टच स्क्रीन होती है वो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न हार्डवेयर अवयवों के बीच, जो ये आपको डायग्राम बताया गया था उसी का ये ब्रॉड डायग्राम थोड़ा और इसमें डिस्क्राइब किया गया है। देखो यहाँ पे इनपुट यूनिट तो हमने पढ़ी थी, अब इनपुट यूनिट और सीपीयू जो है उसको डिफाइन किया गया है। सीपीयू के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड देन फिर आउटपुट यूनिट होती है। अब देखते हैं, अगर आपकी ये वर्किंग समझ में आ गई तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे कर रहा था। सबसे पहले कंप्यूटर ने इनपुट लिया यूजर से, उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या कोई भी, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो सब ये वाली यूनिट देखती है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि पहले क्या परफॉर्म होता है, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन पास होनी है, पहले कौन होगा फिर उसके बाद कौन होगा, कैसे कैसे ट्रांसफ़र होगी चीज़ें, ये कंट्रोल यूनिट देखती है। और उसके बाद मेमोरी यूनिट होती है इसी के अंदर, सीपीयू के अंदर, जो आप पिछले डायग्राम में भी बताया गया था आपको, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सॉरी मेमोरी यूनिट रैम और रोम है। यहाँ पे मेमोरी यूनिट से मतलब रैम से है, जो हमारी रैम होती है वो आगे बताएंगे अभी। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सीपीयू का ही पार्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस करने के लिए हमें एक मेमोरी चाहिए होती है, वो रैम होती है। और जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो पिछले डायग्राम में आपको बताया गया था, यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे आपको बताया गया था, ये यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क होती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क, एच डी और डी से भी इसको दिखाया जाता है हार्ड डिस्क। ये जो प्रोसेसिंग है इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, जो प्रोसेसिंग करता है सीपीयू करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक बार डायग्राम पे आते हैं, वो जो सीपीयू है उसके ये तीन पार्ट थे, मेमोरी, कंट्रोल और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो ये मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट यहाँ पे हार्ड डिस्क में मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है हमारा रैम एंड रोम से। इसे मैं अभी आगे समझाऊंगा कि रैम एंड रोम क्या होते हैं। ये हमारी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है यहाँ पे, और जो नीचे थी वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो इसका काम क्या होता है, करंट इन्फॉर्मेशन को रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट कहलाते हैं चारों हमारे, इनपुट यूनिट, सीपीयू यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसके बाद इनपुट यूनिट क्या है हमारी, एक बार डेफिनेशन देखेंगे। द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर, ये होती है हमारी इनपुट यूनिट। समझ में आ गया होगा आपके, दिस डिवाइस टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। देखो आप डायग्राम में देखो, जैसे हमने कोई की प्रेस की, यहाँ पे की प्रेस करने, जैसे हमने के प्रेस किया, अब हमने तो के प्रेस किया है लेकिन कंप्यूटर तो के नहीं जानता, कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, तो वो के कन्वर्ट होके उसी की लैंग्वेज में चला जाता है।
एक बात और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है 0 और 1, मतलब उसमें दो ही लेटर्स होते हैं, उसकी लैंग्वेज को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। आपने पहले भी सुना होगा कि कंप्यूटर हमारी जैसे लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी लैंग्वेज है हिंदी। जो अंग्रेज़ लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, चाइनीज़ जो चाइना में रहते हैं उनकी चाइनीज़, ऐसे ही कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज है जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज में 52 अक्षर होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ऐसी बाइनरी में केवल दो ही लेटर होते हैं 0 और 1। कंप्यूटर इन्हीं को समझ सकता है, केवल इसी में ही कोई भी इंफॉर्मेशन हो इसी में वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस का काम ये है, दीज डिवाइस टेक्स इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी लैंग्वेज, और उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं ये डिवाइस, जिससे कंप्यूटर समझ सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको ध्यानपूर्वक देख लो। टच स्क्रीन, इससे हम इनपुट भी देते हैं और टच स्क्रीन से हमें आउटपुट भी मिलता है। अगर हम बात करें खाली मॉनिटर की स्क्रीन की तो वो ओनली आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें वो दिखा रहा है, बाहर आ रहा है। आउट मतलब बाहर आना, इन मतलब अंदर जाना। टच स्क्रीन हमारी इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, लेकिन कैमरा हमारा केवल इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक गेम खेलते हैं इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, और ये ट्रैक बॉल भी हमारी इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने के लिए यूज होती है, और माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है हमारी? CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सभी जानते हैं, क्योंकि ये सारे कंट्रोल सेंटर होता है पूरे कंप्यूटर, ठीक है। और CPU इज लोकेटेड ऑन ए स्मॉल चिप, इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। जब भी हम लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल खरीदने जाएँ तो हमें देखना चाहिए कि इसका माइक्रो प्रोसेसर कितना है, इसकी स्पीड देखी जाती है माइक्रो प्रोसेसर की। बहुत से लैपटॉप में अब डुअल माइक्रो प्रोसेसर आने लगे, क्वैड भी आते हैं, 4 भी आते हैं, तो उससे उनकी स्पीड उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि जितना अच्छा ब्रेन होगा उतना अच्छा उसकी स्पीड होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 मेन कंपोनेंट आपको बता दिए गए हैं पहले भी। इसमें सबसे पहले ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करना, इसका काम होता है कंट्रोल करना कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले चलनी है कौन सी बाद में चलनी है। मेमोरी रजिस्टर्स का काम होता है रैम और रोम होनी है, इसमें CPU के भी रजिस्टर्स आएंगे, फिर ड्रॉप्स भी होते हैं इसमें, जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखना है, प्रोसेस हो रहा है। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में एक बार देखेंगे। इसमें केवल आपको इतना समझना है कि ये एक तो लॉजिकल डिसीजन लेता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आए, ठीक है। और लॉजिकल डिसीजन इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ 2 डाटा आइटम्स टू सी विच वन इज़ लार्जर और स्मॉलर और इक्वल। ये हो गया लॉजिकल डिसीजन। देखो दो है ना यहाँ पे, एक तो अर्थमेटिक यूनिट है और एक लॉजिक यूनिट है, इसी के ही हमने पार्ट कर दिए ALU में, 2 पार्ट कर दिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। तो अर्थमेटिक का काम तो कैलकुलेशन परफॉर्म करना, सब्ट्रैक्शन एडिशन, और लॉजिक का काम कि लॉजिक देखना उसमें कौन लार्ज है कौन स्मॉल है कौन इक्वल है। ओके, ठीक है। बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द डाटा फ्लो इन एंड आउट ऑफ CPU एंड आल्सो कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ ALU। इसका मतलब क्या है? कौन सा डाटा इन होना है, फ्लो इन एंड फ्लो आउट, बाहर जाना है CPU, ये कौन देखता है? CPU का कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट देखता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन, जितनी भी इंस्ट्रक्शन स्टोर है प्रोग्राम के अंदर, उनको कैरी करने के लिए, कब बाहर ले जानी है उसको, कब अंदर लानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई गेम खेलते हैं ना, जब आप कोई गेम खेलते हैं, सपोज आपके कंप्यूटर में रैम तो है 2 GB की और आपने गेम ओपन कर लिया 4 GB का, तो वो कैसे चलेगा? रैम 2 GB की और गेम है 4 GB का, तो कैसे चलेगा वो? तो वो ऐसे चलता है जैसे गेम्स के अंदर लेवल होते हैं बहुत सारे, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि स्टार्टिंग में पहले गेम की केवल एक ही लेवल आपके कंप्यूटर में आएगी, बाकी की सर्वर साइड पे रहेगी। तो पहली लेवल कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 GB मैक्सिमम MB में होगी वैसे भी। और जब पहली लेवल पार हो जाएगी, दूसरी पार हो जाएगी, तब पहली दूसरी स्वैप
आउट हो जाएंगी और बाद की 3-4 स्वैप इन हो जाएंगी, मतलब स्वैप इन और स्वैप स्वैप आउट का भी काम होता है, समझ रहे हैं ना। मेमोरी रजिस्टर, ए रजिस्टर इज टेम्प्रेरी यूनिट ऑफ मेमोरी इन द सीपीयू, इसको टेम्प्रेरी यूनिट बोलते हैं इस मेमोरी को, क्योंकि ये इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, टेम्प्रेरी स्टोर होता है, ठीक है। These receive data information and then this data information is held in them as per the requirement. ये होते हैं हमारे मेमोरी रजिस्टर्स। आगे बढ़ते हैं आउटपुट यूनिट पे। द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेज दैट आर अटैच विद द कंप्यूटर। इट कन्वर्ट्स द बाइनरी डाटा कमिंग फ्रॉम सी पी यू टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इनपुट। में हमने क्या कहा था, जैसे हमने के प्रेस किया था इनपुट यूनिट में, तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया था। अब प्रोसेस हो गया, अब कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद उसने आउटपुट दिया, लेकिन कंप्यूटर ने आउटपुट भी अपनी लैंग्वेज में दिया था, बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने नहीं, आउटपुट यूनिट ने क्या किया, उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फिर से। तो ये आउटपुट यूनिट का काम होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट यूनिट देख लो आप, मोनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। जिस आउट मतलब क्या, बाहर आना, इन्फॉर्मेशन उनसे बाहर आती है, स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, हेडफोन से बाहर आती है, जीपीएस सिस्टम, प्लॉटर, प्लॉटर होता है जिससे बैनर बनते हैं, आप बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं ना नेता लोगों के, जो आपने देखा होगा बाहर लगे रहते हैं बड़े बड़े, तो उनको प्लॉटर से ही छापा जाता है। टच स्क्रीन देखो, टच स्क्रीन यहाँ पे भी आ गई, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस में भी थी, ठीक है। लेकिन मॉनिटर स्क्रीन की बात करेंगे तो वो केवल आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, ओके। देन इनपुट बोथ आउटपुट, ये इनपुट है बीच में लिखी हुई है कि ये दोनों हो सकती हैं और ये केवल आउटपुट यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी। कंप्यूटर एक अद्भुत मशीन है, यह एक ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी दिए हुए डेटा समूह पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार क्रिया करती है। ये बहुत शुद्ध हिंदी हो गया है ना, मैं समझाता हूँ, ये आप पढ़ चुके। ये क्या है, एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमने पढ़ा था। ऐच्छिक परिणाम मतलब आउटपुट को प्राप्त करने के लिए दिए हुए डेटा पे, मतलब ये तो आप समझ लो कि कंप्यूटर का काम क्या है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, क्योंकि डेटा तो अनयूजफुल होता है और इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है। अभी डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पहले बताया गया था, तो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है किसके द्वारा, कुछ निर्धारित निर्देशों के अनुसार, मतलब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के जनक सब जानते हैं, चार्ल्स वेलेस, ठीक है। कंप्यूटर में मेनली चार भाग कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, यूजर, सॉफ्टवेयर और डेटा। हार्डवेयर तो आपको पता लग गया, सॉफ्टवेयर आपको क्या होते हैं, हार्डवेयर में जो आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ी वही हार्डवेयर थे, कंप्यूटर के भौतिक और स्पष्ट भाग। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इसको अभी सॉफ्टवेयर को आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। यूजर जो कंप्यूटर का यूज़ करता है, मतलब हम लोग यूजर हैं। और डेटा आपको पता ही है, मूल तथ्य जितनी भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है कंप्यूटर के अंदर, वो सारा डेटा है, ठीक है। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल, ये प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस में हमने आपको मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, SMPS ये सब पढ़ाना है अभी आगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए। हमने इनपुट डिवाइस के एग्जांपल देख लिए थे, आउटपुट डिवाइस के देख लिए थे, और प्रोसेसिंग डिवाइस के यहाँ से देख लो आप, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम और SMPS ये होते हैं एग्जाम्पल। रैम रोम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जाए, चाहे मोबाइल चाहे कंप्यूटर, तो उसमें रैम रोम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, और ये हमारे अभी स्टोरेज, स्टोरेज मतलब संग्रह, है इकट्ठा करना, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश डिस्क, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, वो सब हमारी इसी में ही आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखो अब यहाँ से एक नई चीज़ शुरू हो रही है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर बनाए गए तो एक ही तरह का कंप्यूटर बना दिया था क्या, नहीं, टाइप्स कंप्यूटर के हम टाइप्स कंप्यूटर को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करके देखते हैं। कंप्यूटर को एक बार साइज के हिसाब से देखते हैं। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम, एक होता है मिनी और एक होता है माइक्रो। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, ये चार तरह के कंप्यूटर होते हैं। हमारे देखने में ये तीन ही कंप्यूटर आते हैं, एक ही कंप्यूटर आता है माइक्रो वाला। माइक्रो के तीन भाग हैं, डेस्कटॉप,
लैपटॉप और पाम टॉप। डेस्कटॉप कौन सा, जो आपकी कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब होती है, लैपटॉप जो हम गोदी में रख के चलाते हैं छोटा, और पाम टॉप जो हम हथेली में रख के चला सकते हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द डेस्क जो आ जाए डेस्कटॉप, टॉप ऑफ द लैब लैपटॉप, टॉप ऑफ द पाम पाम टॉप, और ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इन्हीं का यूज हम यूजर लोग करते हैं। तीन कंप्यूटर जो सुपर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है ये मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। ये रिसर्च में, डिफेंस में, और जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, अगर हम मैकेनिज्म के ऊपर बात करें तो कंप्यूटर तीन प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ जैसे इस तरह की घड़ी होती है ना, अपने गाड़ी में देखा होगा कितना पेट्रोल है, कितना ईंधन है उसमें, तो उसमें फ्यूल लिखा आता है, और वो एक ऐसी लाइन होती है और वो कम ज़्यादा होती रहती है ना, तो ये एनालॉग वाली चीज़ है, ठीक है, जो वेव्स की फॉर्म में होती है, डिजिटल जो डिजिट्स की फॉर्म में होती है, और हाइब्रिड जो दोनों की फॉर्म में होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में, एक बार आप टाइप्स देख लो उसके। बेस्ड ऑन पर्पज, तो जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल, जो जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं सामान्यतः, और स्पेशल जो स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं किसी संस्था के लिए, अलग से डिजाइन किए जाते हैं, उनकी जो अदर से रिक्वायरमेंट होती है उसको उसमें डाला जाता है, और जनरल पर्पज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं सभी, वो जनरल पर्पज कंप्यूटर है। आगे देखते हैं एक बार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आप देख रहे होंगे माइक्रो, मिनी, पर्सनल, और देखो ये सुपर कंप्यूटर, ये लैपटॉप, टैबलेट, ये सब आपने देख रखा होगा, लैपटॉप टैबलेट, तो पर्सनल कंप्यूटर भी आपने देख रखा है, ये मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद देयर कैटेगरी, देखो बाई साइज एंड कैपेसिटी, बाई डाटा हैंडलिंग, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, बाई बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स, हम ऐसे भी कंप्यूटर को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे पहला हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा था ना, तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं हमारे, सुपर कंप्यूटर दे आर वेरी फास्ट एंड पावरफुल मशीन्स होते हैं, रन एट द स्पीड ऑफ 10 MIPS, वेरी एक्सपेंसिव, नॉट यूजफुल जनरल एप्लीकेशन, क्रे एंड CDC साइबर। ये क्रे जानते हैं क्या है, क्रे कंप्यूटर होता है, ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर का यूज़ हम मिसाइल्स वगैरह में करते हैं, जहाँ पे गलती की कोई चांसेस नहीं होते। मिसाइल्स जो मिसाइल्स रॉकेट बनते हैं ना, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे जाते हैं, और जो मिसाइल्स होती हैं वहाँ पे गलती की कोई संभावना नहीं होती, मतलब अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सैटेलाइट ख़राब हो सकती है, आपका रॉकेट है वो ब्रस्ट हो सकता है, आग लग सकती है उसमें, तो वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, मतलब जहाँ पे हमें ऐसा बिल्कुल परफेक्ट ऐसा कंप्यूटर चाहिए, तो ये पावरफुल मशीन होती है और बहुत स्पीड से काम करती है। आपको पता होगा एक रॉकेट की स्पीड जानते हैं कितनी होती है, रॉकेट की स्पीड होती है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 11 किलोमीटर चला जाता है, तभी वो अंतरिक्ष में जा सकता है। ये आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, कि अगर कोई भी चीज़ कब ऊपर जाएगी, कब वो मतलब जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसको पार कर पाएगी, जब उसको 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की अधिक से रफ्तार से फैला जाए, तो रॉकेट हमारी इसी बेस पे काम करती है, तो इन सब चीज़ों में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, फास्टेस्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव, एग्जीक्यूटिव बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, देखो एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शनों को एक सेकेंड में ही क्या कर लेती हैं, सोल्व कर लेती हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसको हम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, या वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग मतलब जो मौसम विभाग होता है ना, वो बता देता है कि आज तीन दिन तक वर्षा होगी, शाम को वर्षा होगी, आज बादल है, आज तूफान है, तो ये सब सुपर कंप्यूटर के कारण हो सकता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे हैं, ये सन के हिसाब से लिखा हुआ है, आप ध्यान के ऊपर देख लेंगे इसको। उसके बाद बात करते हैं मेन फ्रेम की, ये थोड़े उससे सुपर कंप्यूटर से थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते हैं, होते ये भी एक्सपेंसिव हैं, दे आर बिल्ट फॉर जनरल कंप्यूटिंग, जनरल कंप्यूटिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है, वेरी फास्ट होते हैं, ये भी बहुत फास्ट होते हैं, ये भी एक्सपेंसिव है, और नॉट ईजली फाउंड इन जनरल डिजाइन ऑफिसेस, जनरली ऑफिस में यूज करते हैं, क्योंकि एक तो बहुत महंगे आते हैं ये, और इनका यूज स्पेसिफिकली किया जाता है एक तरीके से, ठीक है।
ठीक है, दीज कंप्यूटर्स आर लार्ज एंड वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स विद वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी भी इनकी ज़्यादा है और इनका यूज ज़्यादातर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है, बैंक्स जहाँ पे सर्वर बने होते हैं बैंक्स में। छोटे बैंकों में नहीं, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन बिग बैंक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़े, मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल देखेंगे एक बार, हिस्ट्री ऑफ आईबीएम मेन फ्रेम्स 1952 प्रेजेंट मार्केट नेम, ये इनके जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वर्जन लिखे हुए हैं, ठीक है, सिस्टम 360, सिस्टम 370, आईबीएम 308X, आईबीएम 3090, ये सब हमारे वर्जन लिखे हुए हैं जो जो वर्जन आए हैं। डिफरेंस बिटवीन ए सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो होगा कि फिर दोनों में अंतर क्या है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए सुपर कंप्यूटर एंड ए मेन फ्रेम इज दैट ए सुपर कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स फ्यूअर प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल वेयर एज ए मेन फ्रेम एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम कॉन्करेंटली। मतलब जब हमें ये देखना हो कि कम से कम समय में काम हो जाए, एग्जीक्यूट फ्यूअर प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब जब हम टाइम को देखते हैं हमारा बिल्कुल पलक झपकते ही काम हो जाए तो हम सुपर कंप्यूटर की हो जाए। अगर हमें चाहिए कि एक साथ बहुत सारे काम हो जाए तब हम मेन फ्रेम की हो जाए। देखो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। ये क्या करता है सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल पलक झपकते ही काम कर देता है और ये एक साथ बहुत सारे काम, ठीक है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर इसमें ज़्यादा होते हैं हम ऐसा भी कह सकते हैं। मिनी कंप्यूटर आए इसके बाद, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं हमारे, देवर डेवलप इन द 1960s रिजल्टिंग फ्रॉम एडवांसेज इन माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी। इसमें क्या था, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी आ गई थी, स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम से ये छोटे भी होते हैं और लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है, इनकी कॉस्ट भी थोड़ी लो होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये मिनी कंप्यूटर के बारे में, दीज कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन द सेम मशीन, एक मशीन पे ही बहुत सारे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं। दीज आर मेनली यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कंप्यूटर इंस्टॉल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। ये ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज में इनका यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक ही नेटवर्क को एक ही सर्वर को से लोग कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ मिनी कंप्यूटर्स के, आप लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद ये भी एग्जांपल है। देन हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर ही हम घर में स्कूल लैब्स में जनरली ऑफिस में जो यूज किए जाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। ये 1970 के दशक में आए थे, यूज फॉर होम कंप्यूटिंग डेडिकेटेड डाटा प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव इम्प्रूव्ड माइक्रो कंप्यूटर कैपेसिटी, ठीक है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। पीसीज आपने नाम सुना होगा, पीसीज, तो पीसीज यही होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, दिस टाइप ऑफ, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अपना पर्सनल होता है। अब कोई मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर को अपने घर पे नहीं रख सकता पर्सनल बना के, उसको अपने ऑफिस में नहीं रख सकता कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर, नहीं पर्सनल कम, क्योंकि एक तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और उसका यूज इतना नहीं हो पाएगा कि उसको सुपर कंप्यूटर खरीदना पड़े, ठीक है। तो इसमें डेस्कटॉप लैपटॉप वामटॉप ये सब इसमें माइक्रो कंप्यूटर में आपके आ जाएंगे, जैसे पहले भी आपको बता देता है। आगे बढ़ते हैं, दिस कंप्यूटर्स कैन वर्क ऑन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा, ठीक है, स्मॉल डाटा का जब हमें यूज करना है वेरी वर्सेटाइल है एंड आई कैन हैंडल वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। स्मॉल है, पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ईजी है इसमें, ठीक है। आप सब देख सकते हैं एग्जाम्पल इनके, माइक्रो कंप्यूटर के, लैपटॉप पाम टॉप और आपका डेस्कटॉप, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं, ये देखिए ये माइक्रो कंप्यूटर है हमारे, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप लैपटॉप पामटॉप आ गए, डेस्कटॉप ये लैपटॉप हो गया और ये पामटॉप हो गया। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म कंप्यूटर का डिवाइडेशन करते हैं एक बार, एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड तीन तरीके से होता है, ठीक है। तीनों को कर बारी बारी से देखते हैं क्या है, एप्लीकेशन के आधार पर ये तीन प्रकार के हैं। देखो एनालॉग क्या है, जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं, भौतिक मतलब फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं। जितने भी आप जब स्कूल जाते हो पहले गए हो कभी
देखा होगा या जाएंगे जो कुछ लोग ऐसे हैं तो वो देखेंगे फिजिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ज़्यादातर एनालॉग होती हैं। वो डिवाइस इस तरह के बने रहते हैं, उसमें ऐसी निडल लगी रहती है, वो इधर उधर जाती है, इसको बाहर लटका देते हैं, इस तरह के जितने भी हैं वो एनालॉग कंप्यूटर हैं, ठीक है, जो इस तरह के वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वेव्स के फॉर्मेट में होते हैं। आपको बताया था मैंने, जैसे गाड़ी में लगा होता है वो स्पीड बताता है कि इतनी स्पीड है 80 है 90 है, ठीक है, मतलब उसमें सुई चलती है ना, सुई ऐसी बाइक में भी लगी होती है, तो वो एनालॉग। और जो अंक्स बताते हैं, कुछ गाड़ी ऐसी आती है जिसमें स्पीड ऐसे लिखी हुई आती है, 80 हो गई, अब 81 हो गई, अब 82 है ना, तो वो डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड वे कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल दोनों का कार्य करते हैं। हाइब्रिड मतलब मिक्सर, एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, जैसे पेट्रोल पंप या पेट्रोल आदि को मापता भी है और उसके मूल्य की गणना भी करता है। पेट्रोल पंप में आ जाता है ना, देखो पेट्रोल फिजिकल क्वांटिटी है ना, पेट्रोल क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक चीज़ है कोई, तो उसको मापता भी है कि कितना आ गया, अब इसमें 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, और उसको उसका पैसे भी बता देगा उसके कितने हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर कहलाते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक बार। द वर्ड एनालॉग मीन्स कंटिन्यूसली चेंजेबल इन क्वांटिटी, ठीक है, जैसे वोल्टेज को नापने के लिए, करंट को नापने के लिए, साउंड स्पीड टेम्परेचर या प्रेशर आदि को नापने के लिए जो डिवाइस का यूज होता है वो सब हमारी एनालॉग होती है। थर्मामीटर तो आपने देखा होगा, सभी के घर में होता है, थर्मामीटर का काम होता है बुखार को नापना, उसके लिए जो डिवाइस होती है उसी को हमने एनालॉग डिवाइस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। एनालॉग का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली चेंजेबल, वो एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिनोमिना सच एज फ्लूइड प्रेशर, मैकेनिकल मोशन एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जैसे थर्मामीटर इसका एग्जाम्पल हो गया। और एनालॉग के बारे में और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अब हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में एक चीज़ मेन ये जान लें कि इसका जो और एग्जांपल्स है जहाँ पे इसका फ्रीक्वेंटली यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर का, वो है हमारा एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, यहाँ पे इनका मेन यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। थर्मामीटर, एनालॉग क्लॉक, स्पीडोमीटर और टायर प्रेशर, जो टायर का प्रेशर बता देता है, ये तो सभी ने देखा होगा, अपने स्कूटर बाइक या गाड़ी में हवा सभी भरवाते हैं तो देखा होगा वो प्रेशर चेक करता है कि इसमें हवा कितनी है, तो वो टायर प्रेशर ये जो होता है हमारा वो एनालॉग सिस्टम है। ये कुछ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं, ये सभी लोग आप देख लें। इसकी डिसएडवांटेज क्या है एनालॉग की, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर कंटेनिंग आउटपुट फॉर द यूजर्स समटाइम, कभी कभी इनका आउटपुट ऐसा है कि यूजर समझ ही नहीं पाता कि आउटपुट क्या आया है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, जो क्या करते हैं, इट मे एक्सेप्ट डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स बट एन एक्सटेंसिव कन्वर्जन ऑफ डाटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग डिजिटल हैज टू बी डन, जो एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट कर देंगे, जो दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल। The word digital means separate. It refers to binary system which consists of only 2 digits, 0 and 1. Digital data consists of binary data represented by off and on. ये off and on क्या है, ये आपको मैं बता दूँ एक बार, कंप्यूटर की टर्म में इसका बहुत यूज होगा। off मतलब 0, लाइट गई हुई है तो 0, on मतलब हाई 1, 1 और 0। अभी बताया था आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, उसमें दो ही वर्ड होते हैं 0 और 1, 0 मतलब off है और 1 मतलब on। इन डिजिटल कंप्यूटर्स क्वांटिटीज आर काउंटेड रेदर देन मेजर, इसमें जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको काउंट किया जाता है ना कि मेजर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल हैं, कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉच, एप्पल मैकोएस, IBM PC, ये सब। हाइब्रिड कंप्यूटर दे कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, ये सब आपका हो गया है, ठीक है, जो हमारा क्या करते हैं दोनों की फीचर्स को रखते हैं, वो हमारे कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग मशीन मेजर्स पेशेंट्स टेम्परेचर, देन दे आर कन्वर्टेड टू नंबर्स एंड सप्लाई टू डिजिटल कंप्यूटर। आपने देखा होगा अब थर्मामीटर ऐसे आने लगे, पहले तो वो पारे वाले आते थे, पारा वाला है अगर तो वो हमारा एनालॉग है, और जिसमें डिजिट्स आती हैं तो वो हाइब्रिड है, क्यों, वो नाप तो रहा है एनालॉग में लेकिन बाद में उसको कन्वर्ट करके डिजिटल में दिखा रहा है, ठीक है। ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं, वेरी फास्ट और एक्यूरेट होते हैं, और साइंटिफिक फील्ड्स में इसका यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं कि हाइब्रिड का यूज कहाँ पे किया जाता है, देखो इसका यूज हॉस्पिटल में तो मेनली होता है, कंप्यूटर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू मेजर द हार्ट बीट
ऑफ द पेशेंट डिवाइस यूज पेट्रोल पम्प इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो हमारा पहले 1963 में बना था उसका एग्जांपल है। एक बार देखेंगे आप किस तरीके का था ये हाईटेक 2400, ये इसका नाम दिया गया था। देखो आपको दिख रहा होगा ये कितना बड़ा कंप्यूटर का साइज है यहाँ पे, दिख रहा है। तो पहले के कंप्यूटर अगर हम बात करें, जब आपको मैं जनरेशन बताऊँगा तो बताऊँगा कि पहले के कंप्यूटर इतने ही बड़े बड़े होते थे। पहले दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर है एक कमरा जितना होता है, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। उनको ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत भी पड़ती थी, क्योंकि जितने बड़े कंप्यूटर उतनी बड़ी वो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और उतनी ज़्यादा वो रिलीज़ भी करेंगे, तो मतलब गर्म ज़्यादा होगा, ठीक है, हीट जनरेट करते हैं ना। आपने देखा होगा घर में ही अगर आप कुछ भी चीज़ टीवी चला लो तो वो गर्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, या आप कुछ भी पंखा चला लो या कूलर चला लो तो हीट हो जाता है ना। अब ऐसे ही पहले के कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत होती थी, क्योंकि बड़े भी बहुत होते थे। एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर देखो कार में लगा होता है, ये तो आपने हॉस्पिटल्स में तो देखा ही होगा, इसमें हार्ट बीट वगैरह पेशेंट से कनेक्ट कर देते हैं, वो सारी चीज़ बता देता है उसकी हार्ट बीट कितनी है और वगैरह वगैरह सब चीज़ इसमें आ जाती है। अब बेस्ड ऑन पर्पज, स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज। जनरल स्पेशल पर्पज क्या, दे आर डिजाइन टू परफॉर्म और स्पेसिफिक टास्क जो स्पेसिफिक पर्पज से बनाए जाते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। अब एक बार बताऊँ आप, जो जनरल पर्पज है उसमें आपको टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग ट्यूटर वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी होगा, आपको उसमें गेम खेलना है तो गेम के सॉफ्टवेयर होंगे, पेंटिंग बनानी है तो पेंट का सॉफ्टवेयर भी होगा, उस तरह से डिजाइन किए जाएंगे वो। लेकिन अगर किसी को एरोप्लेन चलाना है तो उसके लिए ये वाला कंप्यूटर थोड़ा ना चलेगा, तो उसके लिए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं जो स्पेसिफिकली उसी पर्पज के लिए तैयार किए जाते हैं। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, तो ये हमारे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। जनरल पर्पज इज वन दैट कैन बी यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन होती है, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं और जनरल होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। हार्डवेयर वैसे आप पढ़ चुके, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं उन्हीं को मिला के, इनपुट आउटपुट सीपीयू की भी डिवाइस हमने पढ़ी थी, वो सब हमारी हार्डवेयर हार्डवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है वो भी देखेंगे हम, एक बार हार्डवेयर दोबारा देखते हैं। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिनको हम छू सकते हैं टच कर सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर ये जनरल टर्म यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, जो दिखते हैं, ठीक है, जैसे रैम रोम सीपीयू कीबोर्ड माउस स्पीकर प्रिंटर, ठीक है, दिखते हैं ना। रैम रोम भी अंदर लगी होती है, मदरबोर्ड भी अंदर लगा होता है, लेकिन उसको देख तो सकते हैं ना कंप्यूटर खोल के। और सॉफ्टवेयर वे भाग होते हैं जो स्क्रीन के अंदर चलते हैं, पेंट एमएस वर्ड एमएस एक्सेल, आप ही जितने भी ब्राउजर चलाते हो या मोबाइल की जितनी भी ऐप्स हैं वो सब हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अच्छा क्या जरूरत है इनकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, जैसे हमें नोटपैड हमने एक बनाया है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ कोडिंग की गई होगी, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो वो कोडिंग के थ्रू ही बनता है, ठीक है, तो उसमें उसी हिसाब की कोडिंग की जाती है, ठीक। और इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच गिव्स हार्डवेयर इट्स कैपेबिलिटी, हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज विदाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज विदाउट हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का खाली यूज कैसे करेंगे। मान लो आपके कंप्यूटर से कीबोर्ड और माउस निकाल दिया जाए, ठीक है, उसके अंदर पेंटिंग भी है, उसके अंदर टाइपिंग ट्यूटर भी है, गेम्स भी है, लेकिन करोगे कैसे, खेलोगे कैसे, चलाओगे कैसे, हार्डवेयर डाल लिया उसमें से कीबोर्ड माउस, है ना। ऐसे ही अगर हार्डवेयर है हमारे पास, कीबोर्ड माउस सब है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डला हुआ, तो कैसे चलाओगे। तो दोनों की इम्पोर्टेंस है, हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए, हमारे पास दोनों होने चाहिए तभी हम वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर यूनिट और डाटा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जैसे जैसे हमने वर्किंग पढ़ी थी ना वो आईपीओ, जिसमें हमने वो डायग्राम देखा था पीछे वाली स्लाइड में, आपको याद होगा कि यहाँ पे इनपुट था, यहाँ पे प्रोसेस था और प्रोसेस के बाद आउटपुट था और यहाँ पे स्टोरेज था, तो ये वही है, ये इनपुट डिवाइस, ये हमारी आउटपुट डिवाइस, ये हमारी कंप्यूटर यूनिट हो गई और ये हमारी डाटा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, देख लो एक बार आप। इनपुट डिवाइस हमारी ट्रैकबॉल कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन जॉयस्टिक वेब कैमरा
कार्ड रीडर है ना, डिजिटल पैड और ये स्कैनर, दो तरह के स्कैनर होते हैं, बताऊंगा मैं आगे। इसके हैंडी स्कैनर बोलता है जिसको पेज रखा रहता है और हाथ से हम इसको स्कैन करते हैं, और फ्लैट पैड स्कैनर होता है, ये ओपन हो जाता है इसका ढक्कन ये वाला, और फिर हम इसको इसके अंदर पेपर रखते हैं वो स्कैन हो जाता है। ये हमारी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर है ना, ये सब, ये आप सब पढ़ चुके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कंप्यूटर यूनिट है, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, ये भी हमारा हार्डवेयर में ही आएगा। और ये हमारी डाटा स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, जिप डिस्क, MP3 प्लेयर, अलग से जो है अंदर नहीं, अंदर तो सॉफ्टवेयर है, जो अंदर MP3 प्लेयर होता है वो तो सॉफ्टवेयर, लेकिन अब नहीं आते ये, पहले आते थे, पहले बच्चे बजाते थे इसको, ये इस तरीके का आता है और इसमें हम लीड लगा लेते हैं, उसमें गाने बजते हैं, MP3 प्लेयर, ठीक है। तो उस समय ये हार्डवेयर था, ठीक है, अब तो ये कंप्यूटर के अंदर आने लगा ना, अब इसका कोई यूज़ नहीं करता जब से मोबाइल आया है, ठीक है, ये सब हमारा हार्डवेयर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों है, सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जाता है, एक वीडियो इसी चैनल पर आपको रोल मिलेगी सॉफ्टवेयर की, वो आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में तीन तरह के सॉफ्टवेयर में, ठीक है, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, देखते हैं तीनों क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर, सिस्टम, यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जनरल पर्पज और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं यूटिलिटी। अगर मैं आपको इनको एक लाइन में समझाऊं तो सॉफ्टवेयर, आप यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे वे सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को यूजर से कनेक्ट करता है, अब खाली कीबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, आप के प्रेस करोगे तो वो कंप्यूटर के, आपने नाम सुना होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और मोबाइल में भी होता है, मोबाइल में एंड्रॉयड के नाम से होता है, तो मोबाइल में जिसको हम एंड्रॉयड बोलते हैं, और कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 के नाम से जाना जाता है, वही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो एंटीवायरस के नाम से जाना जाता है, जिस जो कंप्यूटर का डॉक्टर कहलाता है। यूटिलिटी को मतलब, यूटिलिटी मतलब डॉक्टर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डॉक्टर को ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, एंटीवायरस, फायरवॉल्स, ठीक है, और जो ड्राइवर्स होते हैं जो कंप्यूटर की रक्षा करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे पेंटिंग बनाने के लिए हमने पेंट का यूज कर लिया, टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग ट्यूटर का यूज़ कर लिया, MS वर्ड का यूज़ कर लिया, कहीं के लिए हमें लेटर एप्लीकेशन लिखना है तो MS वर्ड के यूज़ कर लिया, पावर पॉइंट का यूज़ कर लिया, कोई स्लाइड बनानी है, ठीक है, वीडियो बनानी है तो MP4 प्लेयर, ऑडियो के लिए MP3 प्लेयर, ठीक है, अगर हमें कोई मूवी देखनी है तो MP4 प्लेयर चलाते हैं, नहीं VLC मीडिया प्लेयर चला लेते हैं, तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। मोबाइल के अंदर इनको ऐप्स के नाम से जाना जाता है, और कंप्यूटर के अंदर इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। मोबाइल के अंदर आपने ऐप्स देखी होगी, कैलकुलेटर की ऐप होती है, फेसबुक की ऐप बनी हुई है, और भी हमारी बहुत सारी गेम्स की ऐप हैं, तो ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जनरल आप ध्यान रखेंगे, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के, सिस्टम, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विद कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब नाम से ही क्लियर है, सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाए इसको बताता है, सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाए वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब भी हम, आपने सुना होगा विंडो उड़ गई, या विंडो हम इंस्टॉल करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, तो वो क्या होता है, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब इसके अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाएंगे, कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही तो काम करते हैं, पेंटिंग बनाना, MS वर्ड में टाइपिंग करना, गेम खेलना, यूट्यूब चलाना या गूगल क्रोम चलाना, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, और काम कौन करते हैं, हम यूजर करते हैं, हार्डवेयर के थ्रू करते हैं। तो इन सब में जो एक इंटरप्रेटर की तरह से काम करता है, मतलब तालमेल बिठाता है हार्डवेयर, यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य में, जो एक ट्रांसलेटर का काम करता है, ट्रांसलेटर कह लो, एक इमीडिएटर कह लो, एक हेल्पर कह लो, ठीक है, जो कंट्रोलर होता है एक तरीके से, ठीक है, जो कंट्रोल करता है, वही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप ध्यान रखेंगे जो हार्डवेयर, यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कंट्रोलिंग का काम करता है, वही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो यहाँ पे लिखा गया इसका एग्जांपल है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होते हैं, ट्रांसलेटर वो हो ही गए जो मैंने आपको भी बताया, ट्रांसलेट का काम करता है, ठीक है। चलो इसके बारे में आगे और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, डोज, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, सोलारिस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बॉट बाई द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ टास्क। सिंपल, पेंटिंग बनानी है तो पेंट का यूज़ करेंगे, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जोन सी भी एप्लीकेशन चलानी है उसी के पर्पज से हमने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। आपको गेम चलाना है बाइक वाला तो आपने बाइक वाला गेम डाउनलोड कर लिया। आपको मोबाइल में कोई ताश के पत्ते वाला गेम खेलना है तो आपने वो डाउनलोड कर लिया। ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो ना, ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे जनरल पर्पज और कस्टमाइज के लिए होते हैं, ठीक है। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक होते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमें बैंक है, बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर चलेगा वो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। जनरल पर्पज मतलब जो जनरली सभी के लिए हो, और कस्टमाइज मतलब जो स्पेसिफिकली उसी बंदे के लिए हो जिसने वो बनवाया है। जैसे आपने कभी देखा होगा जो बैंक वाले होते हैं, बैंक में गए होंगे आप सभी लोग, बैंक में जो सॉफ्टवेयर में वो काम करते हैं वो स्पेसिफिकली होता है, वो उन्हीं के सिस्टम पे चलेगा, उसको आप नहीं एक्सेस कर सकते अपने पर्सनल कंप्यूटर में, उन्हीं के कंप्यूटर पे चलेगा, वो स्पेसिफिक है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो कस्टमाइज होते हैं, जैसे बहुत से लोग अपने मॉल के लिए बनवा लेते हैं। मॉल में देखा होगा आपने, एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉल में दुकान है एक छोटी सी, ठीक है, क्या क्या चीज़ ख़रीदा तो उसका बिल बन के आ जाता है ना ऑनलाइन। आप किसी भी मदर डेयरी वगैरह पे जाएंगे, ठीक है, या आप कहीं भी शॉप पे जाएंगे तो उनके लिए भी अपने अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो बनवाओ रखते हैं, उनको बनवाना पड़ता है पैसे देकर, ठीक है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ से हमें पता लगता है कि सॉफ्टवेयर का फील्ड भी ब्रॉड है, मतलब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये आपकी समझ में आ ही गया। देखो यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। और ये हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, देखो जैसे स्कूल के लिए बना हुआ होता है, ये हमारा स्कूल मैनेजमेंट के लिए। एक होता है इन्वेंट्री, जैसे कोई सामान अगर किसी ने बहुत बड़ा खादान ले रखी है ना, उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान बेचना है, कितना सामान स्टॉक में बचा हुआ है, होटल के लिए होटल मैनेजमेंट, कौन सा कमरा बुक है, कौन से खाली है, बड़े बड़े होटल होते हैं ना उनमें ये सॉफ्टवेयर चलते हैं होटल मैनेजमेंट का। रिजर्वेशन सिस्टम, कितनी सीट बच गई कितनी है, वेदर फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। ये जनरल सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएंगे क्योंकि जनरल यूज़ थोड़ा ना होते हैं, ये तो स्पेसिफिक वे लोग यूज करते हैं जो ये काम है। और MS वर्ड, पेंटिंग, ये सब हमारे कहलाएंगे जनरल सॉफ्टवेयर, इनको तो कोई भी यूज कर सकता है। मेमोरी के बारे में देखते हैं, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज इट स्टोर्स द डाटा। मेमोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, क्योंकि इसी के अंदर तो आपका डाटा स्टोर होता है। एवरी मेमोरी चिप कंटेन्स थाउजेंड ऑफ मेमोरी लोकेशंस, बहुत सारी उसमें मेमोरी लोकेशन होती है। देखो जैसे हमारी रैम चिप होती है, कभी आपने देखी होगी, ग्रीन कलर की होती है रैम चिप, ऐसे इस टाइप की। रोम चिप होती है एक हमारी, और हमारी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। अभी हम बहुत सारी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी होती है, बस आप अभी तो ये ध्यान रखो कि हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो बिट्स और बाइट्स में होता है। बिट्स और मतलब कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर आपसे कोई पूछे मेमोरी में मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट, तो वो एक बिट। और ऐसी ऐसी जब 8 बिट हो जाती है तो 8 बिट इज इक्वल टू कहलाती है 1 बाइट। 8 बिट क्या कहलाती है? 8 बिट इज इक्वल टू कहलाती है 1 बाइट, मतलब 1 बाइट के अंदर 8 बिट होती है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन को दिखा, ए बिट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी, देखवा गया। और 4 बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? निबल। और 8 बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बाइट। 4 बिट के कलेक्शन को बिट, निबल, और 8 बिट के कलेक्शन को बाइट, ओके। ये देखो सबसे पहले ये आपकी मेमोरी हायरार्की है। मेमोरी हायरार्की क्या होती है? सबसे पहले क्या आ गया? बिट, सबसे स्मॉलेस्ट बिट। बिट के बाद क्या आ गया? निबल, अभी आपने पीछे पढ़ा है।
निबल, उसके बाद क्या आ गया बाइट, बिट निबल बाइट, और उसके बाद आ गया किलोबाइट। एक किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होती है, एक मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट होती है। तो बाइट्स कितनी होगी, 1024 × 1024। एक जीबी के अंदर 1024 मेगाबाइट होती है, ठीक है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये याद रहेगा आपके, आपको ये हायरार्की याद करना है। इसके हायरार्की याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, बिट निबल और बाइट, ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपने क्या याद करना है, KM GT, किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट, ठीक है, और पैजी, PEZY, पैजी, पेटाबाइट एक्साबाइट जेटाबाइट और यूटाबाइट, पैजी। तो आपको ये इस प्रकार मेमोरी बहुत सारी याद हो जाएगी, KM GT याद रखना है, और पैजी मतलब किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट और पेटाबाइट एक्साबाइट जेटाबाइट डेटाबाइट। अब यहाँ से आप जोड़ लें, इसमें 1024 बाइट्स है तो यहाँ पे डबल हो गई। अच्छा, 1024 को अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर 10 आता है, तो इसमें 2 की पावर 10 बाइट, यहाँ पे 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 50, 60, 70 और 2 की पावर 80 बाइट, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। ये हमारी टेम्परेरी स्टोरेज है और ये हमारी परमानेंट स्टोरेज है। उसका आपको एग्जांपल दिखाया गया है, रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के अंदर, कैचे मेमोरी होती है और रैम मेमोरी होती है हमारी, ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस में हमारी हार्ड डिस्क वगैरह आती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, कैचे मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये कहीं की बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, जिसको MOSB बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी होती है मेन। इसको मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है ना वो मेन मेमोरी में हो रहा है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपने अगर वीडियो डाउनलोड भी कर रखी है ना, तब भी ये वीडियो आपके रैम के अंदर चलती है। जब आप अपने कंप्यूटर वगैरह को सबको बंद कर दोगे तभी हार्ड डिस्क चल जाएगा। तो रैम क्या होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी, और रैम एंड रोम दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये जो हमारी है रीड ओनली मेमोरी, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो मतलब इसका फिर यूज क्या हुआ आप कहोगे, तो इसका यूज हम करते ही नहीं, इसका यूज तो प्रोग्रामर के लिए किया जाता है जिसने कंप्यूटर को बनाया, इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हम उसके अंदर और कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, जब हम विंडो डालते हैं तो इसी के अंदर जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और चेंज नहीं हो सकता, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते अपने लिए, बस ये रिजर्व है एक तरीके से पहले से, तो इसलिए इसको रीड बोलते हैं, राइट नहीं कर सकते ना इसमें, इसलिए ये रीड ओनली मेमोरी है, ओके। और ये हमारी रैंडम है, देखो द मेमोरी कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी डिजायर्ड लोकेशन रैंडम। अभी आप रैम और रोम में इतना समझ लो कि रैम हमारी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, आपने कोई गेम डाउनलोड किया आज, ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपने कंप्यूटर के अंदर कोई गेम डाउनलोड कर लिया जो कि वाइस सिटी, नाम सुना होगा आपने वाइस सिटी है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा गेम होता है, लगभग 3-4 GB का होता है, सपोज 3 GB का मान लो, तो 3 GB का आपने गेम डाउनलोड कर लिया और आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला गया, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर चला गया, जब आपने डाउनलोड कर लिया नेट से, ठीक है, अब हमने कंप्यूटर बंद कर दिया। अब जब हम उसको ओपन करेंगे कंप्यूटर को फिर से, ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बंद था भी कंप्यूटर, है ना, तो वो रोम के अंदर था, ठीक है, बायोस जिसको बोलते हैं, अब वो हमारा रैम में आ जाएगा जैसे ही हम कंप्यूटर को खोलेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है, इसी को हम बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग, बूटिंग प्रोसेस मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको प्राइमरी मेमोरी में आना, रैम के अंदर आना, वही हमारा बूटिंग कहलाता है। अब हम जितना भी काम करेंगे उसके लिए रैम वाली मेमोरी खर्च होगी, ना कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क है ना, ये जो आपने CD DVD लगा रखी है, वो नहीं खर्च होगी, रैम खर्च होती है। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज आपने वाइस सिटी को ओपन किया, जब तक बंद है वो, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है, जैसे ही आपने उस गेम को ओपन किया तो वो आपका रैम के अंदर आ गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, जब जैसे वाइस सिटी आपका 3 GB का है, ठीक है, और आपकी रैम 1 GB की है, तो वो गेम कैसे चलेगा, क्या वो नहीं चलेगा, बताओ, नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा, जो हमारा गेम है उसका कुछ ही पार्ट रैम के अंदर आएगा जो हम चला रहे हैं,
बाकी का पार्ट सेकेंडरी मेमोरी में ही रहेगा, और ये काम होता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। आपने सीपीयू का एक भाग पढ़ा था ना, कंट्रोल यूनिट, वो इसी चीज़ को कंट्रोल करता है। स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप मतलब हटाना, इन मतलब अंदर, अंदर कभी अंदर करना, स्वैप इन मेमोरी के अंदर, और स्वैप आउट अब मेमोरी से रैम से वापस सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, और जो नई चीज़ है वो वापस से सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में आ जाएगी। या ये कह लो सपोज वाई सिटी के अंदर 100 लेवल है, तो स्टार्टिंग में दो ही लेवल आई है, 1 और 2, बाकी की 98 सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। और जब आपने एक लेवल पार कर ली, दूसरी पे आ गए, तो आप जब दूसरी खेल रहे होंगे तो कंट्रोल यूनिट चुपके से पहली लेवल को वापस सेकेंडरी मेमोरी में कर देगा, और आगे की तीसरी लेवल को आगे लाने के लिए कर देगा। ये काम कंट्रोल यूनिट द्वारा अपने आप होता रहता है, ठीक है। तो ये फंक्शन था रैम, ठीक है। रैम हमारी दो प्रकार की, डायनामिक और स्टैटिक रैम, ठीक है। उसको अभी आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी रोम के बारे में देखते हैं। तो रोम हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रैम हमारी वोलाटाइल मेमोरी है। क्यों रैम को हम वोलाटाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे आप रैम में कुछ काम कर रहे हो और लाइट चली गई, तो वो काम आपका आपने सेव नहीं किया था सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो काम चला जाएगा। सपोज आप ब्राउज़र पे कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, लाइट चली गई, तो जब आप ब्राउज़र खोलोगे तो क्या मूवी वो वहीं से खुलेगी? नहीं, वो स्टार्टिंग से, मतलब वो चीज़ सेव नहीं होती। रैम के अंदर जो काम हो रहा होता है वो वोलाटाइल है, इसलिए उसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। जबकि रोम के अंदर तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, तो रोम हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मतलब लाइट हो ना हो, उसके अंदर जो चीज़ है वो सेव है। रोम हमारे तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल होम, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ई पी रोम इरेजेबल पी रोम, इसको हम इरेज भी कर सकते हैं यूवी लाइट की हेल्प से, अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से इसको रोम को इरेज भी कर सकते हैं। मतलब रोम में हमने क्या पढ़ा था, रीड ओनली मेमोरी में, इसको खाली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। लेकिन एक ये नई ई पी रोम आ गई जो कहती है कि यूवी लाइट की हेल्प से पहले इरेज कर लो, ठीक है। और ई पी रोम क्या कहती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। इसमें क्या होता है, इट कैन बी इरेज विद इन ए फ्यू मिली सेकेंड्स में इसको इरेज किया जा सकता है, फिर इसको रीप्रोग्राम कर, ठीक है। तो मतलब हमने रोम को भी क्या बना ली, रीडेबल बना ली, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ठीक है। देखो मार्केट में जब चीज़ आती है ना, तो उसका तोड़ आ ही जाता है। जैसे पहले कोई सॉफ्टवेयर आया, ठीक है, फिर उसका क्रैक वर्जन आ ही जाता है, आप लोगों को पता ही। ऐसे ही यहाँ पे फ्लैश मेमोरी क्या होती है, इट्स एन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल परमानेंट टाइप मेमोरी। सिंपल सिंपल वे में बताऊँ तो इसका यूज़ हम ये MP3 प्लेयर में, पेन ड्राइव में, आपकी SD कार्ड, वीडियो गेम डिजिटल कैमराज में जो यूज होती है वो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है। और ये परमानेंट टाइप मेमोरी है और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है। कैच मेमोरी, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या करती है, हमारी रैम और CPU, देखो दो चीज़ें, ठीक, रैम और CPU। तो प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ CPU की ज़्यादा होती है। देखो जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है इसको ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, वी नो डैट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ CPU इज मच मोर देन द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ द कंप्यूटर। तो उसमें ये तालमेल बिठाता है। सपोज यहाँ पे हमारी क्या है रैम, और यहाँ पे हमारा क्या है CPU, यहाँ पे हमारा क्या है CPU, ठीक है। और यहाँ से डाटा यहाँ ट्रांसफ़र होता है और यहाँ से यहाँ होता है, ठीक है। तो इसकी स्पीड तो ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है सपोज, ठीक है। तो बीच में कैचे आ जाती है जो इस स्पीड मिसमैच को हैंडल कर लेती है, ठीक है। इट मीन दिस मीन्स द CPU हैज़ टू वेट फॉर ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर ये कैचे मेमोरी ना होगी तो CPU को वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा, वेट इसलिए करना पड़ेगा CPU की स्पीड ज़्यादा है, रैम की कम है। सपोज CPU ने इसको 10 इन्फॉर्मेशन भेजी, इसे तो एक ही रिसीव कर पाया, तो अभी 9 इसी के पास रहेंगी होल्ड पे। ये फिर जब इस वाली को प्रोसेस कर लेगा तब इसका नंबर आएगा, जब इसको प्रोसेस कर लेगा तब इसका नंबर आएगा, ये तो कहेगा CPU तो बोर हो जाएगा इसका, इसको बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। तो फिर बीच में कैचे मेमोरी आ जाती है, कैचे मेमोरी कहती है कोई बात नहीं आप मुझे दे दो पहले, और मैं इसको धीरे धीरे दे दूँ, ठीक है, कैचे मेमोरी का काम, ठीक है।
वेन एवर सम डाटा इज रिक्वायर्ड द सीपीयू फर्स्ट लुक्स इनटू कैचे। अब देखो आपने देखा होगा जब हम अपने मोबाइल के अंदर कोई चीज़ टाइपिंग करते हैं तो वो उसमें पहले से ही दिखा देता है कुछ वर्ड्स हमने जो पहले टाइप किए होते हैं, तो इसका मतलब उसमें कैचे मेमोरी का यूज होता है। रैम से ही डाटा को खींचने में, मेमोरी से ही डाटा को खींचने में, मेमोरी से डाटा को खींचने में टाइम लगता है, ठीक है। तो बीच में जो कैचे होता है तो सीपीयू कहता है कि पहले मैं कैचे मेमोरी में देख लूँ, तब तक कैच मेमोरी में मुझे मिल जाए डाटा, तो रैम में बाद में चला जाऊँगा, रैम से तो वो जल्दी एक्सेस कर लेगा, तो इसलिए पहले वो कैचे मेमोरी में ढूंढता है। इफ डाटा इज़ फाउंड वी कॉल इट ए कैचे हिट, इसका मतलब कैचे हिट हुआ है, मतलब कैचे में मिल गया है, और नहीं मिलता एंड द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू द सीपीयू, सीपीयू में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। अगर नहीं मिलता तो फिर वो मेन मेमोरी में ढूंढता है, कौन सीपीयू, क्लियर। आगे बढ़े सेकेंडरी मेमोरी, आपको पता ही है सेकेंडरी मेमोरी द मेजर लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो हमारी देखो एक चीज़ है रैम और एक है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में भी डाटा स्टोर होता है और रैम में, लेकिन रैम में जब हम काम कर रहे होते हैं तब डाटा आता है। रैम हमारी बहुत महंगी होती है, जितनी ज़्यादा रैम होगी इसका मतलब कंप्यूटर को काम करने के लिए उतना ज़्यादा स्पेस दिया गया है ना, ये तो मतलब है। तो जितनी हम रैम बढ़ा लेंगे, जितनी हम रैम बढ़ा लेंगे उतना सिस्टम कम हैंग होगा, और जितने हमारा प्रोसीजर अच्छा होगा उतनी जल्दी हमारी वर्किंग होगी, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, देखो सेकेंडरी मेमोरी सस्ती आती है और वो बल्क में होती है, 1 TB या 512 GB ऐसी होती है, ठीक है। परमानेंट मेमोरी है, उसके अंदर डाटा एक बार आपने स्टोर कर दिया तो वो रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका उड़ जाएगा तब भी वो डाटा कहीं नहीं जाता है। और जो ये साइबर क्राइम करते हैं ना लोग, तो जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, जो साइबर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सब डाटा को रिट्रीव कर लेते हैं, चाहे लैपटॉप उसका टूट गया हो, जल गया हो, सब डाटा रिकवर कर लेते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। द मेजर लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज दैट इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज वोलाटाइल। वोलाटाइल क्यों, प्राइमरी मेमोरी हमारी वोलाटाइल थी ना, उसी की लिमिटेशन बता रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी तो वोलाटाइल थी, तो वोलाटाइल थी तो लाइट चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है अभी, तो तब तक डाटा सेव है, बाद में क्या होगा फिर, मान लो 10 दिन बाद देखनी है, तो उसके लिए कौन सा आया था सेकेंडरी मेमोरी का, फ्लॉपी डिस्क, CD, हार्ड डिस्क, USB राइट या पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी में ही आएगा, तो हम इसके अंदर डाटा को स्टोर कर लेंगे, तो फिर हम कितने दिनों बाद देखेंगे तो वो डाटा हमारा कहीं नहीं जाएगा। हार्ड डिस्क, ये हमारी हार्ड डिस्क होती है, आपने देखा होगा ये हमारा क्या होता है, ये जो गोल चक्री सी आपको दिख रही है ना, इसी में ही डाटा हमारा सेव होता है। ट्रैक्स और सेक्टर्स बने होते हैं यहाँ पे, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, इस तरह की यहाँ पे लाइन होती है गोल गोल, यहाँ पे इनको ट्रैक्स बोलते हैं, और यहाँ पे इस तरह के ये सेक्टर्स भी बने होते हैं, ट्रैक्स एंड सेक्टर बने होते हैं, ठीक है। ए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सर्कुलर डिस्क लेटर्स विच आर माउंटेड ऑन ए कॉमन स्पिंडल, जो कॉमन स्पिंडल है ना इस पर घूमता रहता है। अच्छा, एक हमारी ऑप्टिकल डिस्क भी होती है, गोल होती है हमारी, ये हमारी सब सेकेंडरी डिवाइस का ही एग्जांपल है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में और बताता हूँ। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। कंप्यूटर का इतिहास आपने पढ़ा होगा, मुगलों का इतिहास, कब मुगल आए, कब अंग्रेज आए, कब कौन सा राजा था, ऐसी कंप्यूटर का भी इतिहास है, मतलब जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी मतलब पहली स्टेज, तो वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पहले कंप्यूटर आए, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी उसमें, दूसरी में फिर ट्रांजिस्टर होने लगे, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट होने लगे, फिर VLSI मतलब माइक्रो प्रोसेसर, और फिर USB, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे क्या थे, ट्रांजिस्टर, यहाँ पे क्या थी, ICs, इनको ICs भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर क्या आया था, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिर आया था ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सब क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी थी, पहले वैक्यूम ट्यूब ही टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, फिर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, इससे कंप्यूटर का आकार छोटा होता चला गया। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो वे हैं जो हम आज देख रहे हैं, मतलब आज कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है, जो छोटे छोटे कंप्यूटर देख रहे हैं ना आप, एक टेबल पे रखा जाता है, गोदी में लेके लैपटॉप बैठ जाओ, लेकिन जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो एक एक कमरे
में आएगा एक कंप्यूटर, जितना बड़ा एक कमरा होता है ना, स्टैंडर्ड कमरा, इतने बड़े स्पेस में एक कंप्यूटर आता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब स्पेस बहुत लेती थी। हजारों लाखों वैक्यूम ट्यूब बराबर थे एक ट्रांजिस्टर, मतलब एक ट्रांजिस्टर हजारों 10,000 वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। तो कंप्यूटर का साइज़ दूसरी पीढ़ी में बहुत छोटा हो गया, और लाखों ट्रांजिस्टर बन के मिल के एक इंटीग्रेटेड सर्किट छोटा सा बन गया था, एक आईसी छोटी सी होती है उसमें लाखों ट्रांजिस्टर जितना काम आ जाता था। तो वो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर और छोटे हो गए। फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब संकुचित करना, उसको कंप्रेस करना, और लार्ज स्केल पर उसको कंप्रेस किया गया चौथी पीढ़ी कंप्यूटर। फिर अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और छोटे किए गए इन कंप्यूटर्स। आगे अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का समय लिखा हुआ है। अलग अलग बुक्स में ये थोड़ा डिफर करता है 2-3 साल, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1946 से भी है कहीं कहीं, यहाँ पे 1940 से 1956 मैंने स्टैंडर्ड वे में लिख दिया। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था, इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप, देखो इसमें मेमोरी के लिए हम चुंबकीय टेप और पंच कार्ड का यूज करते थे, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और ये पहली पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स के नाम, Mark II, Mark III, IBM 700, ठीक है, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी वो 1956 से 1963 के लगभग की मानी जाती है, उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था, ठीक है। कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है उसमें आपको बता दिया इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता था, ICs, ये देखो इसको नोट कर लेंगे, ICs का यूज़ किया जाता था, मतलब हाई लेवल भाषा का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। कंप्यूटर की जो नेक्स्ट पीढ़ी थी चौथी पीढ़ी, इसमें हम IC की जगह VLSI का यूज़ करते थे, इसमें हम VLSI का यूज़ करते थे, हमारी VLSI थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज़ करने लगे, मतलब इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथ को लगाया गया था, मतलब माइक्रो प्रोसेसर इसके ऊपर आया। अगर आपसे कोई पूछे माइक्रो प्रोसेसर कब आए थे, तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे, ठीक है। और कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी थी उसमें हमारे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ था, मतलब GUI आ गया था, जो आपको ये GUI दिखता है ना, GUI क्या होता है पता है आपको, ये एक यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। पहले के कंप्यूटर जो थे, आज से आप 25 साल पहले के भी देखो, ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर आते थे, ठीक है, माउस था, केवल कीबोर्ड के हेल्प से काम करते थे। फिर इसमें GUI भी आ गया, अब तो टच स्क्रीन आने लगी, ठीक है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, ऐसे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अब आने लगे, ठीक है। ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल्स फिर से एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।